रात की बज रहे 10 और इस वक्त मैं किचन में आई हूँ चिकन को मैरिनेट करने के लिए। चिकन लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा यानी करीब 600 ग्राम। इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तो डालना ही होता है, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है। फूड कलर तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 2 चुटकी ऐड कर लिया है, इससे कलर बढ़िया आता है। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैदे को मिक्स करके रखा है। तो पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चिकन हो, मटन हो या फिश हो, हाथ में स्मेल रह ही जाती है, तो मैं ये ग्लास पैन के करना बेहतर समझती हूँ। चलिए अब ये कॉर्नफ्लावर और मैदा भी मिक्स कर लेते हैं। आखिर में एक अंडा ऐड करना है। कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा करने से इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए चिकन को भी हमने मैरिनेट करके रात भर फ्रिज में रखना है। फजर की नमाज का वक्त बहुत ही सुकून वाला होता है। एक तो हम सो के उठते हैं, माइंड टोटली ब्लैंक और फ्रेश रहता है, तो ऐसे में जितनी इबादत हो सके कर लेनी चाहिए। जाने अनजाने में छोटी बड़ी गलती होते रहती है, तो इसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिन्नाज एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मज़े में होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई हो, सबको पसंद आती है। मैरिनेट किए हुए चिकन को अब हमने फ्राई करके रखा है। इसके ग्रेवी के लिए लेना है 1 बड़ी इलायची, 15 से 20 काले मिर्च, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का, 2 से 3 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इसे गर्म तेल में डाला है। 2 बड़े साइज़ के प्याज को चॉप करके डालना है। तेल हमने लिया था 3 से 4 टेबल स्पून। प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद कुछ स्पाइसेस जैसे कि 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला अच्छी तरह भून लेना है। 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है। सुहाना का पनीर मक्खन वाला मिक्स, जो कि पनीर के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसे हम चिकन के लिए यूज़ करेंगे। 1 कप दूध में 2 टेबल स्पून भर के मिक्स कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके 3 टेबल स्पून दही के साथ मिला के ग्रेवी में ऐड कर लेना है। दूध में मिलाया हुआ पनीर मक्खन वाला मिक्स भी डाल देना है। जायके के हिसाब से नमक ऐड कर लेना है। 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से कट की हुई और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को डाल दें। 5 से 6 मिनट के बाद फ्राई करके जो चिकन रखा है वो ऐड कर लें। अब इसे लीड से ढक के और 5 मिनट धीमी आंच पे रहने दें। फ्रेश हरा धनिया चॉप करके या कट करके डाल दें और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर लें। तो ये मैंने बच्चों के टिफ़िन में भी दिया और जो बाकी रह गया वो मैंने लंच में खाया। डेली मॉर्निंग में डस्टिंग और क्लीनिंग होते रहे तो घर बहुत सुंदर दिखता है, पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। फिर कुछ सामान चाहिए था तो वही लेने हम मार्केट चले गए। वहाँ से आने के बाद सोचा लंच तो स्पेशल हो ही चुका है, तो चलो डिनर को भी थोड़ा स्पेशल बनाते। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 kg मटन, अच्छे से धो लिया है, और लिया है 200 ग्राम दही। एक बाउल में कुछ मसाले, इसमें है 3 टेबल स्पून खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून और बिरयानी मसाला खाने के 2 बड़े चम्मच भर के लिया है। मेरे पास है ये शाही बिरयानी फूड एसेंस, इसके 3 से 4 ड्रॉप ले रही हूँ। इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं हो तो भी काम चल सकता है।
नमक भी जायके के हिसाब से ऐड कर लिया है, सभी मसाले को अच्छे से मिला लिया है। कुकर में ही डायरेक्ट मटन को मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। शाम का वक्त हो चुका है, मटन को भी हमने मैरिनेट किए हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू को छील के कट करके हल्का सुनहरी होने तक डीप फ्राई कर लिया है। ये हो जाने के बाद मटन को पकाने रख देंगे। इसमें जो आलू फ्राई किया हुआ गरम गरम तेल है वही मैंने डाल दिया है। मेरे पास छोटे बड़े बहुत कुकर हैं, इनकी सीटी कहीं आपस में अदल बदल ना हो जाए इसलिए इस तरह से मार्क करके रखती हूँ। मटन हमने लिया था 1.5 kg, इसलिए मैंने यहाँ पे बासमती राइस 750 ग्राम लिया है। इसे अच्छे से धो के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। बासमती राइस बनाने के लिए कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि शाहजीरा, काली मिर्च, स्टारफुल, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता 3 से 4 टेबलस्पून तेल में डाल दिया है। कुछ हरी मिर्चें और गरम पानी और जायके के हिसाब से नमक। फिर इसमें चावल को ऐड कर लिया है। चलिए मटन को थोड़ा देख लेते हैं। तो माशाल्लाह मटन तो अच्छे से पक गया है, लेकिन इसे दोबारा तेज आंच पे रखना है ताकि ग्रेवी थोड़ी थीक हो जाए। 1 बाउल भर के बिरिस्ता बारीक चॉप करके इसमें डालना है, ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। अच्छे से मिला लेते हैं और 5 मिनट के लिए रहने देते हैं और फिर फाइनल स्टेप की तरफ। बड़े बर्तन में मटन की लेयर, टमाटर के स्लाइसेस और चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया और बासमती राइस की लेयर, फूड कलर, दूध में भिगोया हुआ जाफरान और बिरिस्ता। ढक्कन से बंद कर देना है, इस पे कुछ वजन रखना है 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे, फिर फ्लेम ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी 10 से 15 मिनट के बाद इसे सर्व करना है। है ना, बिरयानी बनाना बहुत ही सिंपल। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, और खुशबू भी ऐसी कि पड़ोसी का भी मन करे बिरयानी बनाने और खाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मुझे पता है आप लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक शायद करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।